हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक जी, सबसे पहले जय श्री राम, राम राम, और राम मेरी तरफ से जय श्री राम जी। राम राम शोभना जी। मैं सबसे पहले आप ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी अंदर बटरफ्लाई चल रहे हैं, अंदर अभी भी जो है कुछ हो रहा है कि सब अच्छे से निपट जाए? आपने तो वैसी तैयारी की जैसे बेटी की शादी की जाती है। जी, मैं आपको कहूं कि बटरफ्लाइज कभी भी नहीं थे। राम जी का काम राम जी करा रहे और हम तो केवल हरकारे हैं, मजदूर हैं उनके। सब अच्छे से होगा, सब ठीक से होगा और इतिहास में कभी ना भूल सकने वाली ये घटना होगी जो भारत में एक युगांतरकारी परिवर्तन करके देगी। तो आलोक जी, ये माना जाए कि हमारी पीढ़ी जो है वो बेहद खुशकिस्मत पीढ़ी है कि हम अपनी आंखों से इस पल को साकार होते हुए देख रहे हैं जिसका इंतजार हर राम भक्त देश 500-550 सालों से कर रहा था। शोभना जी, आपने कितनी ठीक बात कही है। 25 पीढ़ियों, हर पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अपनी जीन्स और DNA में ये कष्ट लेके आती थी कि राम मंदिर टूटा हुआ है, और ये संकल्प लेके आती थी कि हम बनाएंगे। हमने 25 पीढ़ियों के अपने पुरखों को तार दिया, आज ऐसा सौभाग्य हमको दिया। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है। दीपक, ये भी देखिए आलोक जी कितने भावुक हो रहे हैं, कितने भावुक हो रहे हैं आलोक जी आप। सच है, मैं परसों से बात करते समय अपने गले को संभालने की, अपनी वाणी को संभालने की चेष्टा कर रहा हूं। ये भाग्य मेरे जीवन में आएगा ऐसा कभी पता नहीं था, और उसमें हमारी भूमिका भगवान ने हमको दी, तो हमको तो वह गिलहरी होने का भी भाग्य है, इसलिए इसमें तो भावुक होने का क्षण भी है ये। बिल्कुल आलोक जी, और आज मुझे लगता है आलोक जी से एक सवाल, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आलोक जी जिन लोगों ने भी इस आंदोलन को देखा है वो जानते हैं इसके एक ही मुख्य शिल्पकार थे, वो तो अशोक सिंघल जी थे। कैसे याद करेंगे आज आप अशोक जी को? मैं आपको एक बात कहूं, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि आज ज्यादा भीड़ कहां पर होगी, धरती पर होगी या आकाश में होगी। सारे तो देवता इसको देखने आएंगे, और अशोक सिंघल जी, महंत अवैद्यनाथ जी, रामचंद्र परमहंस दास जी, वामदेव जी, सारे कार सेवक आज तो वैकुंठ से उतर के इस दृश्य को प्रत्यक्ष देखेंगे, और हम उनकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे, ये मान करके, ये समझ करके, ये अनुभूत करके कि वो हमारे मध्य में हैं। और उन्होंने भी हमसे वायदा किया था कि जब तक कार्य पूरा नहीं होगा जाएंगे नहीं, वो शरीर छोड़ देंगे पर विद्यमान रहेंगे। आज उनका स्वप्न पूरा हो रहा है, बहुत श्रद्धा से हम उनको स्मरण करते हैं। Zee News.